साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट। दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स। और तीसरा, ग्रासरूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है, वो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 13 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा
मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है।